अक्सर आपने पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत के खीसे के साथ साथ लड़ाई झगड़े की भी कहानी देखा होगा या सुना होगा, लेकिन हम राजधानी पटना के सड़कों पे एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने पत्नी से प्रताड़ित शख्स हैं, वो अब किडनी बेचने को मजबूर है। क्या कुछ कारण है कि आपको किडनी बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है और तख्ती लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं? ऊपर कीजिए। लड़की के पिताजी, लड़की और लड़की के भाई, माँ बाप सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़की बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, 10 लाख रुपये मुझे दो और तलाक दो। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं किडनी बेच करके इसको 10 लाख रुपये दूंगा जो इसकी डिमांड है, और अगले दिन मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जब कोई कानूनी नहीं है, मैं धरती पर रह के क्या करूंगा। अच्छा, मतलब पत्नी बोल रही है कि 10 लाख रुपया दीजिए, तब जा करके तलाक दीजिए। हाँ, 10 लाख रुपया भी दीजिए और तलाक भी दीजिए। अच्छा, आपके घर में कौन कौन से लोग हैं? माँ है, भाई लोग हैं। तो उन लोग आपको, आपके पत्नी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है? सब थक चुके हैं। मेरे पिताजी कई बार इनके पिताजी के पास समझाने बुझाने आए, पाटलिपुत्रा थाना के भी चक्कर 7-8 बार लगा चुके हैं, और अब वो एक्सपायर कर गए हैं। ठीक है, इसको लेकर के आपने पुलिस प्रशासन या प्रशासन सुनता ही नहीं है कभी? आप गए, ट्राई किए? 6 बार गया हूँ मैं मम्मी पापा को लेके पाटलिपुत्रा थाना। अच्छा। रोवन हॉस्पिटल है, 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक आप रिकॉर्डिंग निकाल दीजिए 5 साल पहले का, आपको मेरी माँ मिलेगी वहाँ पे बैठी हुई, और मैं मिलूंगा बैठा हुआ। अच्छा, शादी आपका लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज था। तो दिक्कत कहाँ? दिक्कत कुछ नहीं है, ये सब साजिश के तहत शादी किया गया था, पैसे उगाही के लिए। अच्छा। हाँ, आप अमीर हैं इसलिए पैसा मांगा जा रहा है। अमीर उमीर क्या रहेगा, आदमी का घर होता है ना, शरीर है ना, तो घर फ्री का थोड़े होता है। आपकी जो पत्नी है वो कहाँ के रहने वाली है? ये रहा एड्रेस, गेट नंबर 33 राजापुर। हाँ, मुख्यमंत्री का जनता दरबार जो लगता है वहाँ पे आप जाकर के गुहार लगाने की कोशिश की? नहीं, थाना जब बना है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ? थाना बंद कर दे मैं जनता दरबार जाऊँगा, जनता दरबार बंद कर देगा मैं मोदी जी के पास जाऊँगा, मोदी जी बात ना सुनेंगे मैं राष्ट्रपति के पास जाऊँगा। पहले थाना बंद करो ना, तभी तो जनता दरबार में जाऊँगा मैं। थाने से आगे आप नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहता मैं, कोई सुनता नहीं है, मैं क्यों जाऊँ कहीं पे? तो ऐसे तख्ती लेकर के आप घूम रहे हैं, ऐसे क्या लगता है कि आपको? हम घूम नहीं रहे हैं, हम किडनी बेच रहे हैं, किडनी बेच करके रुपया अच्छा, देंगे और अगले दिन मैं आत्महत्या करूंगा। अच्छा, कस्टमर आप खोज रहे हैं कि कोई किडनी? हाँ। अच्छा, अगर कोई कस्टमर मिल जाएगा तो किडनी बेच देंगे? बेच दूंगा। हाँ, बेच के 10 लाख रुपए इसको दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना और तख्ती पे आपने लिखे, आराम से पढ़ सकते हैं इसको, कि ब्लैक मिलर सास ससुर पत्नी और साला की वजह से किडनी बिकाऊ है। ये अपनी किडनी बेचने के लिए पटना के सड़कों पर निकले हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी पत्नी, इनकी सास, साले, सभी के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनकी पत्नी की मांग है कि 10 लाख रुपया दें और तब जाकर के तलाक लें। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन से कई बार गुहार लगाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला। ऐसे में वो अब पटना के सड़कों पर तख्ती लेकर के निकले हुए हैं कि किसी तरह से उनकी किडनी का कस्टमर मिले और वो अपनी किडनी बेच करके पत्नी का जो मांग है उसको पूरा करें। सहयोगी अशोक के साथ नीरज कुमार, ई टी वी भारत, पटना।